नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूँ, न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। आप सभी हमारा परिवार हो, हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो, आप सभी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है। आज मैं आलमंड मिल्क की रेसिपी जो आपको दिखाई है, ऐसी आलमंड मिल्क आप घर पे भी बनाइए, एनिमल प्रोडक्ट डेयरी प्रोडक्ट का त्याग कीजिए, और अगर ऐसा दूध पियोगे तो कभी भी हॉस्पिटल जाने की नौबत नहीं आएगी, कभी भी बीमार नहीं होंगे। आज मैं बादाम का दूध बनाने जा रही हूँ। तो ये जो बादाम आती है वो पूरी की पूरी बादाम को मैंने 4 घंटे पानी में भिगो दिया है, फिर उसके बाद उसके छिलके मैंने निकाल दिए हैं, और ये छिलका निकालने के बाद ऐसे फूल जाते हैं पूरा का पूरा ऐसा, और फिर उसके छिलके मैंने निकाल दिए हैं। तो आज मैं आलमंड मिल्क मतलब कि बादाम का दूध बना रही हूँ। तो इसके लिए आपको जितना गाढ़ा करना हो उतना आप कर सकते हो, ऐसा कोई माप रखने की जरूरत नहीं है कि 5 लेना है 10 लेना है, आप अपने हिसाब से कितने भी ले सकते हो। तो मैं 2 प्रकार के दूध बनाने जा रही हूँ, पहला तो जो है वो प्लेन मिल्क, और दूसरा जो है वो मैं बनाना मतलब कि केले की स्मूदी बना रही हूँ। तो इसमें हमें पहले पानी नहीं डालना है, बाद में डालना है। पहले ड्राई जो है वो भिगोया हुआ सोक किया हुआ बादाम है उसको हम पीस देते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल पीस के रेडी हो गया है। अब इसके अंदर हम पानी डालते हैं और फिर से एक बार घुमा लेते हैं। तो देखिए हमने ये बिल्कुल पानी डाल के लिक्विड कर दिया है। तो ये सिर्फ 2 मिनट में हमारा दूध बन के रेडी हो गया है आलमंड मिल्क। तो इसको हम और कुछ भी नहीं करना है, और इसको अब हमें पीना है। ये बहुत ही गाढ़ा है तो मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसको ले लेती हूँ। तो ये मेरा पूरा का पूरा 1 गिलास भर के आलमंड मिल्क रेडी हो गया है। जैसे अभी दूध बनाया था वैसे ही मैं फिर से बादाम लेके दूध बना रही हूँ। ये आप सुबह में, दोपहर में, शाम को, रात को कभी भी पी सकते हो। और ये जो है वो बनाना वो मैं इसके अंदर 1 पूरा का पूरा 1 छिलके डाल रही हूँ। तो ये मिल्क शेक रेडी हो गया। अगर आपको इसके अंदर हनी डालनी हो तो डाल सकते हो, या फिर गुड़ की काकवी आती है वो भी आप डाल सकते हो। तो इसके छोटे छोटे टुकड़े करके, कोई जूस पे हो और उसको वेट बढ़ाना हो तो भी ये बनाना और आलमंड का मिल्क जो है वो मिल्क शेक बना के पी सकता है। अभी मैंने इसके अंदर पानी नहीं डाला है, ये एकदम स्मूदी हो गई है रेडी। तो अब मैं इसके अंदर पानी डाल के फिर से एक बार घुमा के मिक्स कर लेती हूँ। तो ये हमारा मिल्क शेक मतलब कि आलमंड और बनाने का मिल्क शेक रेडी हो गया है। अगर आपको पतला करना हो तो उसमें 1 गिलास पानी डाल के भी पतला कर सकते हो। ये हमारा बनाना और आलमंड का मिल्क शेक रेडी हो गया है, और ये सिंपल प्लेन आलमंड मिल्क। अगर आपके बच्चे को भी ऐसा पिलाना हो तो सुबह शाम दोपहर रात कभी भी आप पिला सकते हो। 1 दिन का बच्चा हो या फिर स्कूल जाता बच्चा हो, स्पोर्ट्स खेलता बच्चा हो, कोई भी हो, इनको अगर ऐसा दूध पिलाओगे तो डेयरी प्रोडक्ट एनिमल प्रोडक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए ये कितना अच्छा आलमंड है, 5 आलमंड या 10 आलमंड से भी काम चल जाता है। जो हमारा मिल्क है वो इतना महंगा होता है, सेम यही रेट पे आपको घर पे इजीली 5 मिनट में बन जाता है। लेकिन और ये हर रोज फ्रेश बना के आप पी सकते हो, इसको भी आप चबा चबा के खाओगे तो भी चलेगा। लेकिन अगर आपको दूध पीने का शौक हो तो ऐसा दूध पीजिए, गाय का, बकरी का, भैंस का, ऐसा कोई भी दूध पीने की जरूरत नहीं है। आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो मेरा संपर्क कर सकते हो, मेरा फोन नंबर है 9824317955। सुबह हमें 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हो, अहमदाबाद के नारायणपुरा के NDS हेल्थ सेंटर पे। अगर आपको आना हो, मिलना हो तो निशुल्क में हम सेवा करते हैं, आके आप मिल सकते हो। इसके लिए यही नंबर पे व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट लेके मैसेज करके आप हमें मिल सकते हो। इससे भी अधिक दूध से और चाय से बहुत सारे नुकसान होते हैं, इसकी भी हमने 800 से भी ज्यादा वीडियो बनाई है, तो वो भी आप देख सकते हो। सदा स्वस्थ रहने की चाबी ये है कि आपके घर में एनीमा होना बहुत ही जरूरी है। अगर एनीमा करोगे तो आपके घर में, आपके परिवार में सभी लोग जो है वो स्वस्थ रहेंगे। तो आप भी आइए हमारे साथ, ऐसा दूध पीजिए, आप भी ऐसा दूध पिए, घर पे बनाइए, सब में घर को
घर में सबको पिलाइए और स्वस्थ रहिए। तो मैं अभी जो फ्रेश दूध बनाया है आलमंड का, मतलब कि बादाम का, उसमें केला डाल के स्मूदी बनाई है, तो वो मैं पी रही हूँ। देखते हैं कैसी बनी है। बहुत ही यम्मी है। अगर एक में से दो ग्लास करोगे तो भी चलेगा, ज्यादा पानी डाल के, ये एकदम गाढ़ी बनी है। अगर ऐसी एक ग्लास की स्मूदी पी लेंगे तो 4 घंटे या 8 घंटे तक पेट में बिल्कुल भूख नहीं लगेगी और पेट बिल्कुल स्टमी फिलअप हो जाएगा। थैंक यू, प्रणाम, आभार, बाय।